morning, ma'am. Very good morning. What is your name? My name is Simran. My name is Sanya. My name is Usma. May can I help you? Yeah, sure. क्या आप हमें शनिवार वाले की जानकारी दे सकते हो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी टूर गाइड हूँ, मैं आपको शनिवार वाले की जानकारी देती हूँ। शनिवार वाले का निर्माण किसने किया? पहले बाजीराव पेशवा ने शनिवार वाले का निर्माण किया। शनिवार वाले का नाम शनिवार वाड़ा क्यों रखा गया? शनिवार वाले की नींव शनिवार की सुंदर की गई थी और इसका उद्घाटन भी शनिवार के दिन ही हुआ था, इसलिए इसे शनिवार वाला कहते हैं। शनिवार यानी मराठी शब्द में दिन और वाड़ा यानी रहने की जगह, इसलिए इसे शनिवार वाड़ा कहते हैं। ऐसा सुना है कि शनिवार वाड़ा पहले ही सात मंदिर का हुआ करता था। जी, 17वीं सदी में जब बनाया गया था सात मंदिर इमारत थी, लेकिन 18वीं सदी में भयानक भयंकर आग की वजह से जो सात दिन तक जलती रही थी पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन आज भी आप जैसे टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। चनरवाड़े के पांच दरवाजे हैं। पहला दरवाजा और सबसे बड़ा दरवाजा है उत्तर दरवाजा। इसे उत्तर दरवाजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तर दिशा बहती होता है, इसलिए इसे उत्तर दरवाजा कहते हैं। उस दरवाजे को क्या कहते हैं? इस पर जो कीले लगी हुई है, ये पहले जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे तो हाथों को उस पर बाड़े पर हमला के नीचे से छोड़ा जाता था। जब हमला हो तो बाड़े को कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए कीले लगवाई गई थी। ये छोटा दरवाजा क्यों है? अगर जरूरत पड़ने पर पूरा दरवाजा ना खोलना पड़े और हमें अंदर बाहर जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके, इसीलिए छोटा दरवाजा बनाया गया है। उत्तर दरवाजे के बिल्कुल सामने मस्तानी दरवाजा है, इसे मस्तानी दरवाजा कहते हैं। इसे मस्तानी दरवाजा क्यों कहते हैं? पहले बाजीराव पेशवा जो थे उनकी दूसरी बीवी मस्तानी उन्हें अक्सर यहीं से मिलने आया करती थी, इसीलिए उसे मस्तानी दरवाजा कहते हैं। मस्तानी दरवाजे के बाजू में नारायण दरवाजा है, उसे नारायण दरवाजा कहते हैं। उसे नारायण दरवाजा क्यों कहते हैं? पांचवे पेशवा नारायणराव पेशवा जो थे जब उनकी मौत हुई तो उन्हें इसी दरवाजे से ले जाया गया था, इसीलिए उसे नारायण दरवाजा कहते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ है गणेश दरवाजा, इस शनिवार का तीसरा दरवाजा चौथा दरवाजा है गणेश दरवाजा। इसे गणेश दरवाजा क्यों कहते हैं? वाड़े के बाहर एक गणेश जी का मंदिर है जो इस दरवाजे के बिल्कुल करीब है, इसलिए से गणेश दरवाजा कहते हैं। इस किले का आज पांचवा और आखिरी दरवाजा खिड़की दरवाजा है। जैसे कि आप देख रहे हैं दरवाजे पर खिड़की बनती है, युद्ध के समय लोगों को अंदर बाहर जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके खिड़की बनाई होती है, इसीलिए उसे खिड़की दरवाजा कहते हैं। शनिवार वाला इंडिया के हॉन्टेड प्लेस में भी शामिल है, क्योंकि जो पांचवे पेशवा थे नारायण राव पेशवा वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने 16 साल की उम्र में जल्दी को संभाला था, लेकिन जो उनके चाचा थे उन्होंने 12-10 महीने की उतनी कम उम्र में इस गद्दी को संभाल ली, इसलिए जब नारायण राव पेशवा 18 साल के थे तो उन्होंने उनके चाचा ने षड्यंत्र किया था जिसमें उन्होंने नारायण राव पेशवा पर हमला करवाया, और जब उन पर हमला करवाए गए थे नारायण राव पेशवा उनके चाचा के पक्ष की ओर ये कहते भागे के काका मारा वाचवा, इसीलिए कहते हैं कि आज भी उनके कहे हुए शब्द उस समय कहे हुए शब्द काका मारा वाचवा आज भी इस किले में सुनाई देते हैं, इसलिए इसे इंडिया के मोस्ट ऑफ हॉन्टेड प्लेसेस में से एक कहा जाता है। आपने हमें शनिवार वाले की बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका शुक्रिया। पुणे में और ऐसा और टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं जो हमने? बिल्कुल, तुलसीबाग है, सारस बाग है और कातरा जू है, ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू शेखर को मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।